मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग से कुछ बातें करना चाहती हूँ। कोई कहानी नहीं सुनाना चाहती, कोई गीत नहीं सुनाना चाहती। मेरे मैसेंजर बॉक्स में, जो कि आप सबका भी है, एक बच्चे ने लिखा कि माँ जी, मैं दुनिया का सबसे खराब इंसान हूँ, मुझे कोई नहीं प्यार करता, मुझे कोई नहीं पसंद करता, मैं जिस काम में भी हाथ लगाता हूँ उसमें मैं असफल हो जाता हूँ। तो मैंने सोचा हो सकता है मेरे इस बच्चे की तरह औरत मन में भी भावना होती हो। तो बेटा, मैं आप लोग से ये कहना चाहती हूँ कि देखो, एक वे लोग होते हैं जो कीचड़ में खिले हुए कमल में भी सुंदरता को देखते हैं, दूसरे ऐसे लोग भी होते हैं जो सुंदर शीतल चांद में भी दाग ढूंढ निकालते हैं, उसको दाग को देखते हैं। देखो, चंद्रमा में दाग है, उसकी सुंदरता को, उसकी शीतलता को नहीं देखते। तो जीवन में हमेशा प्रशंसक बनने का प्रयास करें, प्रशंसक बनने की कोशिश करें, निंदक नहीं। क्योंकि जो प्रशंसक होता है, जो प्रशंसा होती है, वो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है और निंदा हमें नकारात्मक सोच की ओर ले जाती है। तो हमें अपने अंदर नकारात्मकता को नहीं लाना है। ये सोचो कि मैं तो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ, ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती। हम अपने आचरण के द्वारा ही लोगों का प्यार प्राप्त करते हैं या उनसे हम दूर हो जाते हैं। तो सोचो कि मुझमें कहाँ कमी रहेगी। और कभी भी हमें सोचो कि मैं खराब हूँ या दुनिया में मुझे कोई प्यार नहीं करता, नहीं, सभी आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अब कोई प्यार करे चाहे ना करे, आपकी कुसुम मम्मी तो आपसे बेपना मोहब्बत करती है। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ, आप सबका जीवन सुखमय हो, सबके जीवन में आनंद हो। और कहते देयर इज मोर पावर इन ब्लेसिंग देन मेडिसिन, दुआओं में दवाओं से भी ज्यादा असर होता है। तो इस सोच के साथ कि आप सब में क्या होगी, सकारात्मक ऊर्जा और अधिक उत्पन्न होगी, नकारात्मक विचारों को अपने अंदर आने ही मत दो। देखो, हमारे ही परिवार का एक बच्चा है अजबीर सिंह, जो कि राजस्थान का है। तो 41 वर्ष की उम्र में, 41 साल की उम्र में उसने क्या किया, योगा ज्वाइन किया, जिम ज्वाइन किया। और पीछे तो है ही, उसके साथ उसने अपने आप को इतना मेंटेन किया, उसके अंदर इतनी फिटनेस है। बोलता माँ जी, मेरे फिटनेस की चर्चा तो अखबारों में भी होती है, सब जगह होती है। तो जब वो बदल सकते हैं, आप लोग क्यों नहीं बदल सकते। तो भाई, इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभभावनाओं के साथ, मैं आप सब की प्यारी कुसुम मम्मी आप सबसे विदा लेती हूँ। और सभी लोग हमेशा अपने बारे में अच्छा ही सोचेंगे और दूसरों में भी बेटा आप अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश करो। देखो, मुझे तो सब लोग कहते हैं, अरे कुसुम को तो बुराई करना आता ही नहीं। मैं जहाँ भी जाती हूँ, कोई भी कैसा भी इंसान हो, मैं उसमें कोई ना कोई अच्छाई ढूंढ के निकाल ही लेती हूँ। हमेशा अरे सर, वो धीरे चलते तो क्या हुआ, उसकी राइटिंग देखो कितनी प्यारी है। अगर आप भी एक बार ऐसा चश्मा लगाइए जिसमें हम दूसरों में अच्छाइयाँ ढूंढ सके, तो देखिए एक बार के प्रयास से आपको हैबिट बन जाएगी। दूसरों को खुशियाँ दो, अपने आप को भी खुशियाँ मिलेंगी। अच्छा भाई, आप लोग को मेरी बात कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और क्या आप लोग उससे सहमत है, अगर सहमत है तो हाँ लिखना, और नहीं सहमत है तो भी अपने विचारों को लिखना। मुझे आप सबके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अच्छा भाई, सबको